बाल संत श्री शाश्वत जी महाराज के वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूले। गोस्वामी तुलसी बाबा संसारी मोह माया में उलझे हुए थे और एक बार अपनी बह पत्नी अर्धांगिनी जिसका नाम है रत्नावली उसको बहुत चाहते थे। एक बार वह अपने मायके चली गई। अब तुलसीदास जी को इसके बिना रहा नहीं जा रहा, रात को नींद ना आए, तो आखिरकार उन्होंने आधी रात को ये निश्चय किया कि अब मैं अपनी अर्धांगिनी से मिले बिना एक पल भी नहीं रह सकता, तो उसी समय जल्दी उठकर मिलने के लिए। देखो कैसे मोह माया में थे और चल पड़े गोस्वामी जी। चलते हुए उस रास्ते की नदी तक पहुंचे जिसमें रात को कोई नाव नहीं चलते थे, तो उन्होंने विचार किया कैसे पार करूं। तभी एक लकड़ी नजर आई, बैठकर पार कर ली। पहुंचे अपने ससुराल, सोचा आवाज दूंगा सब लोग आसपास के जगेंगे तो क्या सोचेंगे, इसलिए चुपचाप कोई अंदर जाने का रास्ता मिल जाता। ये ढूंढते ढूंढते जब अपने ससुराल वाले घर के पीछे गए तो वहां उन्होंने एक रस्सी डली हुई पाई। तो उन्होंने मन में विचार किया देखो मेरी पत्नी कितनी समझदार है, मुझे कितना समझती है, उसे पहले से ही पता चल गया होगा कि मैं आने वाला हूं, इसलिए उसने देखो मेरे लिए पहले से व्यवस्था करके रख दी, पहले से ही रस्सी डाल दी। परंतु तुलसीदास जी उसी रस्सी को पकड़कर चढ़ गए और चढ़कर जैसे ही अपनी पत्नी रत्नावली के कक्ष में पहुंचे वो आश्चर्यचकित होकर अपने स्वामी को देखती, स्वामी आप इस समय यहां क्या कर रहे हो, आपने नदी पार कैसे की इतनी रात को, आप मेरी कक्ष तक कैसे आए, मुझे तो कोई द्वार से हलचल मिली ही नहीं मुख्य द्वार से। तब गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे तुमने जो मेरे लिए रस्सी डाली थी ना, बस उसी रस्सी को पकड़कर मैं ऊपर चढ़कर आ गया और नदी वो तो मैं निकल नदी पर बैठ के पार कर ली। रत्नावली बोली रस्सी कौन सी रस्सी, मैंने तो कोई रस्सी नहीं डाली। और जब दोनों ने जाकर उसी जगह जहां से तुलसीदास जी चढ़कर आए थे नजर डाली तो क्या पाया आप सब जानते हो, वहां पर एक विषैला अजगर लटका हुआ था, सांप लटका हुआ था। और ये देखकर बिचलते हुए जब दोनों पहुंचे सीधे उस नदी पर तो क्या पाया, देख के हक्के बक्के रह गए, दंग रह गए, जिसे तुलसीदास जी एक लकड़ी समझकर उस पर बैठकर तैरकर नदी पार करके आए थे वो कोई लकड़ी नहीं थी अपितु एक मरे हुए आदमी की लाश पड़ी हुई थी। यह देखकर तुलसीदास जी की पत्नी ने बहुत धिक्कारा, बहुत डांटा, मेरे इस हार्ड मास के शरीर से तुम्हारी जितनी भी आसक्ति है स्वामी, आपकी जितनी आसक्ति, जितना आपका प्रेम है, अगर उससे आधा भी भगवान में हो जाता तो आपका कब का बेड़ा पार हो गया होता स्वामी, बेड़ा पार हो गया होता। बस फिर क्या था, तुलसीदास जी को वो शब्द ऐसे चुभे, उसी समय घर द्वार सब त्याग करके साधु वेश धारण करके हरिभक्ति पथ पर अग्रसर